हेलो दोस्तों, स्ट्रेटजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएन कार्ड या ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए ई श्रम या यूएन कार्ड बनाने का फैसला किया है, जिसमें प्रत्येक असंगठित क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले श्रमिक हैं उन सभी का ई श्रमिक कार्ड या यूएन कार्ड बनाया जाएगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं और कौन इसको बना सकता है, क्या इसकी पात्रता रहेगी, आपके मन में कई सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि जिसने पहले से लेबर कार्ड बनाया हुआ है वो इसको बना सकता है या नहीं, तो वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम या यूएन कार्ड है क्या। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड है उसी तरह से प्रत्येक श्रमिक का यूएन कार्ड या श्रम कार्ड बनने जा रहा है। ये अपने तरीके से यूनिक होगा तथा श्रमिक को उसकी पहचान दिलाएगा। इसके साथ साथ आपको यूएन कार्ड में आधार की तरह एक यूनिक नंबर भी मिलेगा। इस कार्ड में प्रत्येक मजदूर की जो संपूर्ण बायोडाटा है वो फिलअप की जाएगी तथा प्रत्येक श्रमिक की जो जानकारी है वो सरकार के पास रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है तथा किस किस को ये बना लेना चाहिए। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि असंगठित क्षेत्र में जितने भी कामगार आते हैं उन सभी का ये एक यूएन कार्ड बनाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं ये जानते हैं। छोटे और सीमांत किसान, एकल कृषि मजदूर, शेयर प्रॉपर्स, मछुआरे, पशुपालन में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सारे आएंगे इसमें। बीड़ी बनाने वाले उद्योग में हैं, लेबलिंग और पैकेजिंग में हैं, भवन निर्माण में जितने भी श्रमिक लगे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। चमड़े का कार्य, बुनकर, बढ़ई, नमक का कार्य और ईंट भट्टे व पत्थर की खदानों में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं वो भी आ जाएंगे। आरा मिल में काम करने वाले मजदूर वो भी आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसमें मिलने वाला है। साथ ही डेटाबेस श्रमिकों के लिए योजना का कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार को मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी श्रमिकों के कार्यबल को ट्रैक करेगा और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सुलभ रहेगा। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड के लिए आप किसी भी ई मित्र या CSC के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अधिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।